गुड इवनिंग। तो बस अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो मेरे हस्बैंड आए थे, खाना खा के वो चले गए। तो बस आज हमारे यहाँ सब्जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे यहाँ सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इनसे मंगाया था। मैंने कहा कि सब्जी ले आना, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आज मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जी, बच्चों के लिए मैंने आलू बना दिया था और अपने हस्बैंड के लिए 4-5 ननुआ रखा था, तो मैं उनके लिए ननुआ बना दी थी। तो और बाकी अम्मा बाबू के लिए मैंने बना दिया था दाल चावल, और चावल सॉरी उसका सांभर का चावल, और ये आम का अचार रोटियाँ दे दिया था, तो वो खा लिए थे। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड लाए हैं आम, तो अभी लास्ट है, तो बस वही लाए हैं, कहें आप लोग खा लेना। मैंने कहा ठीक है, खा लेंगे। और उधर अम्मा बाबू को भी दे दिया। तो और लेशन ख़त्म था, तो ये देखिए ये लाए हैं लेशन। लहसुन क्या बोलते हैं आप लोग, तो इसको भी मुझे रखना है दहिया में स्टोर करके, तो रख देते हैं। और सब्जी, पता है इस समय सब्जियां सब महंगी हो रखी हैं, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो इस समय सस्ती है, सब महंगी हो रखी हैं सब्जियां। तो अभी इसको भी मैं छांट लेती हूँ और रख देती हूँ लहसुन। तो ये बोल रहे थे क्या क्या सब्जी ले आऊँ, मैंने कहा भैया देखो हम तो सब कुछ खा लेते हैं, और बच्चे और थोड़ा सा आप ही लोगों का है, क्योंकि ये आलू खाते नहीं हैं ज़्यादा, ना इनके अम्मा बाबू खाते हैं। तो हमने कहा जैसा आपको पसंद लगे वैसे आप ले आना, जो आपको अच्छा लगे। और मेरे यहाँ ननुआ हमारे सास ससुर और हमारे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं, तो शायद ननुआ है लाए हैं, टमाटर लाए हैं, और लहसुन ख़त्म हो रखा था, अदरक ख़त्म हो रखा था, हमने कहा आप ला देना, तो ले आए हैं। और ये देखिए बड़ी बड़ी पोटी है, अभी इधर से ये छोटी छोटी लाए थे, तो उसको छीलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी जो है। इसको मैं एक किनारे कर देती हूँ, और ये यस इसको मैं डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने लहसुन इस डलिया में डाल दिया है, और लहसुन प्याज ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर तो काम चलते ही नहीं है किचन का। इसको मैं रख देती हूँ, और दिखाती हूँ। हाँ ये लाए हैं नलुआ, जी देखिए अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए क्या क्या सब्जियां हैं, टमाटर हैं, अदरक है, हरा मिर्चा है, ननुआ है, लौकी भी है और खीरा भी है, तो आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी मुझे ये सारे सब्जियों को निकाल करके अलग अलग सारा स्टोर करना है, फिर धोना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, मैंने कहा आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि झोले में कितनी सब्जियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। तो टमाटर भी है, इन सबको मुझे अभी सबको अलग करना है। आप लोगों ने सब्जियाँ ये सब लेकर के आए हैं, और ये सारी सब्जियों को मुझे अलग करना है, अदरक को अलग करना है, टमाटर को अलग करना है, लौकी लाए हैं तो लौकी भी अलग करना है। तो अभी तो मैं बनाऊंगी ननुआ, क्योंकि ननुआ लाए हैं तो मैं ननुआ बनाऊंगी, और टमाटर तो फिर बच्चे खाते हैं, बच्चों के लिए ही बनाऊंगी, और अदरक है तो अदरक के बिना भी काम नहीं चलता, आपको पता है अदरक के बिना चाय का कोई काम नहीं है। कोई चाय चाहिए आप जैसे भी बनाइए, यदि आप अदरक नहीं डालेंगे ना तो चाय का कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो मैं निकाल लेती हूँ ननुआ, क्योंकि मुझे नारियल की सब्जी बनानी है, तो मैं ये ननुआ निकाल लेती हूँ सब। और मैंने दोपहर में आलू बनाया था, आलू खाई हूँ और एक गिलास चाय पी हूँ, तभी थोड़ी सी चाय रखी थी फिर पी ली हूँ। तो बस अभी क्या बनाऊँगी अभी शाम के समय, देखिए तो समझ में नहीं आता। ये देखिए ये खीरा लाए हैं, तो खीरे को मैं रख लेती हूँ सलाद के लिए। खीरा अच्छा है, और पता है एक बार मैं मार्केट से खीरा लेके आई थी, तो वो विदेश दूसरा खीरा दे दिया था केमिकल वाला, ये तो बहुत बड़े बड़े,
पर किसी काम के। चलिए हम निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए, ये टमाटर हमने रख दिया है सबको एक टोकरी में, और यहाँ मैंने रख दिया है आम। जी हाँ, तो यहाँ देखिए, ये मैंने टोकरी में रख दिए हैं सारे टमाटर, और यहाँ रख दिया है एक टोकरी में आम। ये आम और खीरा एक सेब, और यहाँ रख दिया है अदरक जिंजर, और ये मैं रख दिया है हरा मिर्चा। तो इसको मैं ऐसे फ्रिज में रखती हूँ, बंद करके नहीं रखती, ऐसे ही रखती हूँ। तो ये मिर्चा हरा रहता है, काफ़ी दिन तक हरा रहता है, इसको लाल नहीं होता। और बाहर रख देना तो बहुत जल्दी लाल हो जाता है। तो बस अब इसको मुझे फ्रिज में स्टोर करके रखना है, और मैं टमाटर को धो के नहीं रखूँगी, इसलिए क्योंकि जब धो देना तो फ्रिज में रख दे सब्ज़ी तो टमाटर सड़ने का खतरा है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं फ्रिज खोल करके वो सब्जियाँ रख रही थी, उसी समय जो है मेरे ससुर आए किचन के बाहर ही थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मुझे थोड़ा सा चना दे दो तो मैं जाके भुनवा लाऊं। तो उन्हीं की आवाज़ बीच में आ रही थी, तो हमने कहा कि चलो ठीक है अभी देते हैं, मैं सब्ज़ी पहले रख लूं फिर दे रही हूं। तो बस मैं ये सब्ज़ी फ्रिज में रख रही थी, तो उन्हीं की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो किचन के बाहर खड़े थे। तो हमने कहा चलो सब्ज़ी रख लेते हैं, तो फिर इनको मैं चना निकाल करके देती हूँ। तो बस जो है मैं सब्ज़ियाँ रख ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने उनको चना दे दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है ना, तो भुना चना वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी लगा करती है जो है। तो बस यहाँ पर हमने सब्जियाँ रख दी थी सारी फ्रिज में। तो रखने के बाद तब फिर मैं आप लोगों ने मैंने रख दिया फ्रिज, सारी सब्जी को रख दिया है। आप लोग सोचेंगे मैं धो के नहीं रखती, तो जी नहीं, मैं धो के नहीं रखती, क्योंकि ये आ गया है बरसात का मौसम, तो बरसात में भी कोई सब्जियाँ इस तरह की धो के रख दीजिए, यदि फ्रिज में ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और बाहर हम रखते नहीं हैं, तो हमको जब बनाना होता है तो टमाटर और ये क्या कहते हैं उस तरह की सब्जी तभी धोते हैं, पहले से नहीं धो के रखते, क्योंकि बरसात में नमी हो जाती है, वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। जाड़े और गर्मी की बात दूसरी है। तो बस यहाँ पर ये मैंने देखा नलुआ ये निकाल दिया है, तो मैं अभी नलुआ शाम को कैसे बनाऊंगी। तो देखा हमने सब्जियाँ स्टोर करके रखी, और बस बनाने की तैयारी करती हूँ, नलुआ छीलती हूँ। तो अभी लाया है बेटा हमारा दूध जी, और मैंने कुछ मंगाया था, तो ये आ गया हमारा दूध। तो मुझे अभी रखना है इसको बनाने के लिए, इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। और मैंने मंगाया है मूँगफली जी, तो बस मुझे अभी थोड़ा सा इसको भूनना है व्रत के लिए, तो इसको मैं अभी रख देती हूँ, अभी भूनूँगी तो इसको एक डिब्बे में स्टोर करके रखूँगी। तो ये रहा मेरा सब्जी। तो चलिए ठीक है, अभी मैं दूध रख देती हूँ, और फिर मिलती हूँ अभी आपसे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी सारी सब्जियों को एडजस्ट करके रख दिया, आप लोगों को मैंने दिखाया अभी। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं ननुआ छील रही हूँ, क्योंकि आज ये ननुआ ही बनाऊँगी मैं, और कितने मैंने छील लिए हैं। तो बस जस्ट ये देखिए, आप लोग को मैंने दिखाया ही था, तो बस इसको मैं छील लेती हूँ, छील के तभी बनाऊँगी। तो चलिए सबको छील लेते हैं। और आजकल ननुआ ना, मतलब ननुआ की सब्ज़ी अच्छी तो लगती है, पर पता है ना ननुआ बहुत ज़्यादा कीड़े भी उसमें निकल आते हैं, कहीं ना कहीं जो है कीड़े निकल जाते हैं, तो बहुत ही देख करके काटना पड़ता है। लेकिन यह है कि ननुआ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मन नहीं ये होता है कि हाँ नहीं खाना। और मुझे ना ननुआ की सब्ज़ी राइस के साथ बहुत पसंद है,
परेठा पूड़ी उसके साथ भी अच्छी लगा करती है। और मैंने अपना मोबाइल नीचे रखा है इसलिए मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है आप लोगों से बात करते वक्त, तो मैंने कहा चलिए छीन लेती हूँ। और आज यही बनाऊंगी, नरमा की सब्ज़ी और रोटी, और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि जैसा मेरा व्रत ही है, मेरा फास्ट है और सब लोग देर से ही खाए हैं इसलिए ज़्यादा किसी को भूख है नहीं। तो ये नरमा तो पूरे ही बनाऊंगी क्योंकि ये बनाने पर थोड़े से तो हो ही जाते हैं अपने पर। सबको छीन लेती हूँ मैं। देखिए कितना खराब नलमा है, देखिए ये बिल्कुल बेकार है। तो इसी तरीके होते हैं नलमा। नलमा अब खैर ठीक है, अब ये सीजन है, अब तो तरोई का सीजन आने वाला है, तरोई आने वाली है मार्केट में। अभी 10 दिन बाद तरोइयाँ खूब आने लगेंगी। अरे आप लोग क्या कहते हैं, हमारे तरफ इधर तरोई बोलते हैं बहुत से लोग, घिया बोलते, बहुत तो हर जगह के लोग हर तरह की सब्जी को अलग अलग नाम देते हैं। और मैंने दूध रख दिया है छान करके, पक रहा है दूध, बस आज में ही बनेगा नरमा की सब्जी और रोटी। रोज रोज क्या बनाए, मन उठ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो बनाने का भी मन नहीं करता खाना, लगता कोई बना बनाया दे दे और खा ले, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको छील लेते हैं, छीलने के बाद इसको धोएंगे, धो के काटेंगे और सब्जी बनाएंगे। तो आज यही बनेगा हमारा नलवा की सब्जी रोटी। तो ठीक है अब रखते हैं, और जब नलवा की सब्जी पक जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मौसम आज अच्छा है, मौसम खुला हुआ है, दिन में खुला था, मतलब बारिश तो नहीं हुई, इस समय घेरे हैं, बारिश हुई नहीं है। और ठीक है आज कपड़े वगैरह भी सूख गए हैं, कपड़े बाहर डाल दिया है तो सूख गया है, हमें तो सारे कपड़े गीले थे, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रखे थे, जहाँ देखो वहीं कपड़ा डरा रखा था। तो चलिए ठीक है हम छीन लेते हैं, इसको धो करके फिर काट लेते हैं, छौंक लेते हैं। तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि आज हमारा नाइट में यही भोजन बन रहा है, धनवा की सब्जी। ये देखिए इतने छील चुके हैं हम, अभी और छीलने बाकी है। तो ठीक है रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं अपने व्रत के लिए साबूदाना की खीर बना रही थी, तो बस क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो बस मैं इसको बना करके पहले शंकर जी को भूख लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी और थोड़ा थोड़ा फिर सबको बच्चों को दूंगी जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने साबूदाना को धो करके दूध में डाल दिया है, और यहाँ पर मेरी ननुआ की सब्जी, जैसा कि मैं दिखा रही थी कि मैं छील रही थी तो मेरा कट गया था ननुआ, तो यहाँ पर मैंने ननुआ भी अपना छौंक दिया था तो हल्का सा पक गया था, थोड़ा सा ही कसर बाकी थी इसको पकने में क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी था, तो इसको मैंने ढक करके रख दिया है जो है पकने के लिए, और थोड़े कसर में ये पक जाए। देखा आप लोगों ने, मैंने इधर अपनी साबूदाना की खीर बना रही हूँ व्रत के लिए, और इधर मेरा नलवा की सब्जी मैंने छौंक दिया है। तो बस और इधर मैंने और आटा भी मैंने लगा करके रख लिया है। तो बस मेरा सब कुछ तैयार है, बस जो है सब्जी पक जाए तो फिर मैं रोटी बना दूँ। और क्यों इतनी जल्दी है, सच में क्या करें ना, मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश होने लगती है और लाइट भी चली जाती है, तो इससे अच्छा है समय से खाना बना के खिला दे, वो भी फुर्सत हम भी फुर्सत, है ना। तो यहाँ पे मैं अपने व्रत के लिए साबूदाना बना रही हूँ। और इसको मुझे शंकर जी को भोग भी लगाना है, तो मैं भोग लगा दूँगी फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो चलिए ठीक है, और अब मुझे रोटियां बनानी है। तो देखिए आज मेरे पता नहीं क्या है, ये आज ये स्वेलिंग है,
पता नहीं क्यों मेरे चेहरा सूज रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझे अभी इस समय शुगर उगर की जांच भी करानी है, करा लेती हूँ, क्या पता जो है शुगर उगर ना बढ़ा हो, डर लगा करता है जो है। तो ठीक है, रखते हैं। और क्योंकि आपने देखा ही कि मैंने सब्जियाँ भी छोंक दी है अपनी मनुआ की, और इधर मैंने अपने साबूदाना, अपने व्रत के लिए साबूदाना भी बना रही हूँ, आटा भी मैंने लगा करके रख दिया है, और मेरा दूध भी पक गया है, तो बस सब सब्जी पक जाए तो फिर मैं इन्हें रोटियां बना करके खिला दूंगी, फुर्सत हो जाऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो जल्दी से बना खा दे, खिला दे, वो जो सबसे ठीक है। तो ठीक है, रखते हैं, मॉर्निंग में फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो यहाँ पर ये मेरी ननुआ पक गई थी, तो मैंने इसको बाद में ये क्लिप बनाया और आपको मैं दिखा रही थी, और यहाँ पे देखिए मेरी साबूदाना की खीर भी बन के तैयार हो गई थी, तो कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा। तो बस ये मेरी बन गई थी, मैं थोड़ा सा इसको अलग से कटोरी में निकाल कर पहले भोले बाबा को अपने चढ़ाऊँगी, उसके बाद ही खाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले भोले बाबा का भोग लगेगा, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो बस हमने आज ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी साबूदाना की खीर ना खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी कहते हैं ना साबूदाना बहुत ही पाचक होता है, बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने भोलेनाथ के लिए निकाल दिया है खीर, तो निकालने के बाद फिर मैंने पूजा वूजा किया था, तो उसके बाद ही खाया था। ये सब बाद की क्लिप है, मैं बना के रखी थी पर भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड कर दिया है, तो इसके लिए सॉरी, इग्नोर मारिएगा आप इसके लिए। तो यहाँ पर बस मैं मूंगफली भी भूंज रही थी, मैंने कहा चलो मूंगफली भी भूंज ही लेती हूँ, क्योंकि मीठा